सिर्फ दो लौंग आपको यहाँ रखनी है। खराब से खराब रिश्ता, बिगड़ा हुआ रिश्ता, कितना भी समय से खराब हुआ हो, कितने भी टाइम से चीजें खराब हो रही हो और किसी भी हद तक खराब हो गया हो, पल में चुटकी बजाते थे। लौंग में अद्भुत शक्तियां हैं, लौंग बहुत शक्तिशाली है। रिलेशन, लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, रिलेशनशिप, ये सब बहुत छोटी बात है। दो लौंग की बात कर रहा हूं, दो लोगों को जोड़ने का सबसे बड़ा साधन है इसके अंदर। जानिए पूरा मिस्ट्री। आज फिर हाजिर हो गए, आज फिर आपको एक नई गाथा, एक नई परंपरा शुरू करा रहा हूं। और मैं कह रहा हूं, कितना भी खराब रिश्ता हो, कितना ही बिगड़ गया हो, झगड़े किसी भी आयाम पर, सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो गई, रिश्तों की, रिलेशनशिप की, पारिवारिक लाइफ की, किसी भी कंडीशन में सिचुएशन, वेद कहता है जहां फल मिल जा फुलाक्षरणी ही, ये व्यवस्था सामान्य नहीं है। वेद कहता है ये वो पुष्प है, ये वो फल है जो विश्व के सर्वाधिक फलों को देने की क्षमता रखता हूं, ऐसा कह रहा है। तामूलम वनशामया विरचितम, ऐसा कोई तामूल नहीं है जिसमें लौंग इलायची के बगैर खाऊं सकता हूं। तामूलम वनशामया विरचितम भक्ति प्रभो श्री गुरु, ऐसा कहते हैं। दो लौंग एक नहीं, विश्व में पहली एक ऐसी चीज है जो जोड़े में दी जाती है। कभी किसी जानकार को पूछिए, लौंग का जोड़ा होता है, लौंग अकेला नहीं दिया जाता कभी किसी को। हाँ, लौंग हमेशा डबल चलती है, दो। जब दो लोगों को एक करने का साधन हो, जहां दो लोगों को मिलाने की बात करना हो, तो लौंग तो पहले से डबल है, सिंगल बात ही नहीं करती वो तो। लौंग हमेशा डबल, मंत्र पढ़ना हो, फुकवाना हो, काम कराना हो, फूक मरवानी हो, डबल लौंग चलती है, एक लौंग चलती ही नहीं कभी। डर और बाधा होती है लौंग में, जो पहचान पाना सामान्य इंसान की बस की बात नहीं। हाँ। और लौंग की शक्ति अद्भुत अलौकिक शक्ति है इसके अंदर, बिगड़े से बिगड़े काम को बनाने की क्षमता लौंग में है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद जो काम नहीं हो सकता वो लौंग की कृपा से हो सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा भय का कारण लौंग, दुनिया में सबसे ज्यादा सुख का कारण लौंग, दुनिया में सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र प्रयोग में किया जाने वाला संसाधनों की व्यवस्थाओं का की सामग्री लौंग, विश्व में सर्वाधिक चीजों को ठीक करने का साधन लौंग। लौंग एक तरीके से जानी जाती हो तो कहिए, लौंग के तो अनेकों स्वरूप है, लौंग की महिमा तो क्या ही कही जाए। विश्व में कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र लौंग के बगैर काम नहीं करता। बहुत छोटी बात कह रहा हूं, लौंग कोई और नहीं है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। लौंग कोई और नहीं है, ये साक्षात पूरा का पूरा आपका पार्थिव शरीर है, जो तुम्हारे अंदर पांच तत्व है वही पांच तत्व इसके अंदर है। इसकी त्वचा है, इसकी हड्डी है, इसमें रक्त है, इसमें सब कुछ है जो आप जानना चाहते हो, जो तुम्हारे शरीर में वो सब है इसके अंदर। अब तुम कहोगे खाना खाती है, तो हाँ, विश्व में पहली एक ऐसी चीज है जो भक्षण करती है चीजों का। वो बहुत 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 सामान्य तरीके से एक श्लोक आता है, दंतान बिना भक्षत चर्मदंडी, बिना दांतों के सब भक्षण करने की क्षमता है लौंग में। बड़े बड़े तांत्रिक और मांत्रिक वो लौंग दे दे आपका काम हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे यहां पर तुम सावधान हो जाना, इन मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक फालतू के बच्चों के चक्कर में मत पड़ जाना, किसी खास तांत्रिक के पास जाना जिससे सच में इस बात की, इस विधा का, परंपरा का आवाहन हो, उसे पता हो इसके बारे में। हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई ये नहीं कर सकता। दुनिया में कोई भी अगर ये कर सकता है तो वो कुछ ही लोग, बहुत नहीं है। जिस प्रकार पूरे विश्व में सफल बहुत लोग नहीं है, जिस प्रकार विश्व में सक्षम सारे लोग नहीं है, उसी प्रकार से विश्व में जानकार भी बहुत सारे लोग नहीं है, कुछ कम लोग हैं।
मिलते हो तो रे। चेर। एक और खास बात, प्यास पीठ पर। देखो अब मैं ऐसी बात कहने जा रहा हूं थोड़ा सा गड़बड़ है, हमारे बहुत सारे दर्शक हो सकता है इसके विपक्ष में, लेकिन समझना तो पड़ेगा आज नहीं तो कल। व्यास पीठ पर और ज्योतिष संभाषण करने के लिए महिलाएं सर्वदा निषेध है, और यूट्यूब में भरी पड़ी है लड़कियां, महिलाएं दुर्यवर का ज्ञान बता रही है, महिलाएं ये काम नहीं करें तो अच्छा है। तो जो भी स्त्री इस कार्य को करती है वो अपना कुल नशाती है और दूसरे के कुलों को सर्वनाश कर देती है। मुझे गिनकर बताइए ऐसे लोग, मैं आपको कैलकुलेशन वाइज करता हूं। कोई ऐसी पीढ़ी बताइए, कोई ऐसा नाम बताइए पूरे विश्व स्तर पर जिसके तीन पीढ़ियां, पहली गुरु महिला हो, दूसरी गुरु महिला हो, तीसरी गुरु महिला हो, आप बताइए कोई ऐसा नाम। मैं आपको हजारों ऐसे नाम बता सकता हूं जिसका पहला गुरु पुरुष था, दूसरा गुरु पुरुष था, तीसरा गुरु पुरुष हो सकता है। अब देखो इसमें संदर्भ बच बात है, गुरु जो शब्द है वो पुरुष लिंग है, पुरुष भेद है बस, और पुरुष होना चाहिए, गुरु में पुरुषत्व तत्व चाहिए, महिला में जहां ममतामयी चीजें चाहिए। अरे तुम किचन के बारे में सिखाओ बहुत अच्छा काम है, तुम सास सज्जा सिखाओ बहुत अच्छा काम है, तुम घर का रख रखाव सिखाओ बहुत बढ़िया काम है, तुम चीजों को बेहतर बनाना सिखाओ बहुत अच्छा काम है, तुम ब्यूटी टिप्स दो बहुत अच्छा काम है, पर तुम ये एरो टेरो पूजा पाठ और ये सब सिखाना ये तुम्हारे भैया नहीं है, इसमें तुम बात करनी, तुम तो अपने उपाय करो, अपना लाइफ ठीक करो, तुम तो अपनी चीजों को अच्छा करो, तुम खुद भटक रही हो, तुम्हारे जीवन में खुद ही बहुत तकलीफ है, तुम सब चीजों को ठीक करो। आज मैं कह रहा हूं कि भाई चलो ये सामान्य बात है, तुम में से कोई आदमी इधर उधर हो रहे होंगे तो ठीक हो जाएंगे इसलिए। आज मैं कह रहा हूं कि दो लौंग एक करने के लिए है, आपको दो लौंग चाहिए। अब इस दो लौंग में थोड़ा भेद है, आपको एक कटोरी चाहिए पहले, उस कटोरी में नीचे के साइड में आपको या तो तुलसी के अर्क से स्वास्तिक बनाया जाए, और या तो बिलपत्र के अर्क से स्वास्तिक बनाया जाए, इन दोनों में से जो भी अवेलेबल हो कर लीजिए। तत्पश्चात इसमें उस स्वास्तिक के ऊपर धीरे धीरे शहद गिराया जाए जब तक स्वास्तिक पूरा डूब न जाए, और बहुत प्यार से शहद गिराते समय आपको तीन बार बोलना है ओम मधु ओम मधु ओम मधु, ऐसा कहने से मधुरता मधु में और बढ़ जाती। वेद तो कितनी कितनी ज्यादा बखानता कर रहे हैं इस बात की, वेद मधुरम कर रहे हैं जिसे इंसान बनाए प्रगति की व्यवस्थाओं को लेकर विशुद्धात्मा विशुद्ध है, विशुद्ध से भी विशुद्ध है। और उसके बाद पहली लौंग सीधा उतार कर डालना और दूसरी लौंग उल्टा उतार कर डालना, जब सीधा उतारना तो अपने पार्टनर का नाम लेना, जब उल्टा उतारना तो अपना नाम लेकर के डाल देना, अब बस डाल देना। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे दोनों के दोनों फूल आपस में एक तरफ पास हो रहे होंगे, किसी तरह लौंग पास में आ जाए या पुष्प की जो लौंग की पुष्प है वो दोनों एक दूसरे के सामने हो जाए, एक इंडिकेशन है काम तुम्हारा ठीक हो जाएगा। अब इसमें और आगे उपाय है, इसको खिलाने से वशीकरण होता है, इसको जलाने से सम्मोहन बढ़ता है, इसकी राख अपने माथे में लगाने से यश बढ़ता है, इसकी राख जली हुई लौंग की राख अपने हृदय में लगाने से हृदय में रहने वाले से हमेशा का तालमेल बढ़ जाता है, इसी राख को नाभि में लगाने से जीवन पर्यंत का साथ मिलता है, इसी राख को अपनी दोनों भुजाओं में लगाने से आपके प्यार में बीच में आ रहे लोगों सत्यानाश हो जाता है। दहिने भुजा संत जन तारे, बाई भुजा असुर दल मारे, दोनों भुजाओं में लगाने से असुर दलों का सर्वनाश होता है, संत जनों की वृद्धि होती है, तुम्हारे प्यार की वृद्धि होगी और शत्रुता समाप्त होगी। करिए मन से उपाय, पुरुष श्रद्धा और पूरे विश्वास से करना तुम।
तुम रहने की कोशिश करना। इतना तो साथ दे ही सकते हो, मैं तो अपनी नींद, अपनी भूख, अपना जीवन, अपना समय सब लगा रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो अपने प्यार के लिए लगा रहे हो, होती है थोड़ी तो चुप सही से सब ठीक हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।